आज के इस वीडियो में हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यूएफओ के बारे में बात करेंगे। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे तुरंत हम पहचान नहीं कर सकते कि ये क्या है। जो टर्म यूएफओ है, इसको 1953 में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा ऐसी सभी स्पेस घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैच ऑल के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अनुसार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई भी एयरब्रोन ऑब्जेक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस, एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और अनसूल फीचर्स प्रेजेंट में मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स से पॉजिटिवली मैच नहीं करता है। 1940 के दशक के अंत में और 1950 के दशक के शुरुआत में यूएफओ को फ्लाइंग सॉसर या फ्लाइंग डिस्क कहा जाता था। कोल्ड वार के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या थी, लेकिन विभिन्न अध्ययन से यह पता चला कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। मौजूदा समय के कुछ यूएफओ रिसर्चर ने यह बात को नोटिस की है कि कुछ रिलीजन्स के सिंबल और यूएफओ में काफ़ी समानताएं पाई गई हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी और डेवलपमेंट हुई है और कितने और शोध हुई है, तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें।